एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि श्याओकी फांग को किस करने के लिए उसके पास आ रही है, लेकिन तब तक फांग सो चुका था, जिससे फिर श्याओकी उसे किस नहीं करती है। श्याओकी वहाँ से जाने का सोचती है, लेकिन अभी भी वो फांग के स्मेल से बहुत ही अट्रैक्ट हो रही थी, जिससे वो वहीं सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फांग उठता है और देखता है श्याओकी उसे चिपक के सो रही है, तो वो बहुत ही शॉक होता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि कल रात को ड्रंक होके उसने कैसी कैसी हरकतें करी हैं, जिससे वो जल्दी से श्याओकी को धक्का देके नीचे गिरा देता है। श्याओकी उसे बोलती है कि इस बार मेरी कोई गलती नहीं है, कल रात को तुमने ही जबरदस्ती मुझे यहाँ सोने के लिए कहा था, और उसने जो भी रात को किया था वो उसे बताने लगती है। ये सुनकर फांग उसका मुंह बंद करता है। उसके बाद फांग उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है, तो वो भी अग्री होती है। फांग खुद अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाकर को खिलाता है, जो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। श्याओकी कहती है कि जब दो लोग खाना खाते हैं तो हम अच्छे से खाना खा सकते हैं, तो तुम जब अकेले होते हो तब क्या खाते हो? तो फांग कहता है कि मैं अकेले होता हूँ तब सिर्फ कॉफी पीता हूँ। तो श्याओकी कहती है कि अगर तुम चाहो तो मुझे कभी भी खाने के लिए इनवाइट कर सकते हो, जिसके लिए फांग भी अग्री होता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे दूर क्यों नहीं रह पा रही हो, क्योंकि मैं इतना परफेक्ट जो हूँ। लेकिन श्याओकी उससे कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तुम में नहीं बल्कि तुम्हारे सेंट में इंटरेस्ट है। ये सुनकर फांग कंफ्यूज होता है और श्याओकी को भी रियलाइज होता है कि उसने अपने मिशन की बात फांग के सामने कर दी। लेकिन फांग उसके बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद श्याओकी नाश्ता लेके घर आती है, जहाँ पे जियाबो एंड चाय दोनों उसका इंतजार कर रही थी और उसे देखकर कांग्रेचुलेट करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब श्याओकी एंड फांग एक कपल हो चुके हैं। लेकिन श्याओकी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान ऑफिस में बहुत ही ज्यादा खुश था। उसे लग रहा था कि कल उसने फांग और श्याओकी को साथ में भेज के बहुत ही अच्छा काम किया है और जब फांग आएगा तो उसकी तारीफ करेगा। लेकिन जब फांग आता है तो उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे घर छोड़ना तुम्हारा काम है, श्याओकी का नहीं, तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा सब कुछ मत करना। दूसरी तरफ श्याओकी शायन जायबो को बताती है कि उसके और फांग के बीच में कुछ नहीं हुआ, बल्कि रात को फांग बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गया था और वो दोनों बस वहाँ पे सो रहे थे, जिससे शायद डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद श्याओकी और जावो देखते हैं कि उसने कितना हार्मोन कलेक्ट किया है, लेकिन वो जब देखते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ 0.8% है, जिससे वो दोनों ही डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि इस स्पीड से तो उनका घर जाने के चांसेस बहुत दूर है। साथ ही श्याओकी ये भी बताती है कि उसने गलती से फांग के सामने उसका हार्मोन कलेक्ट करने वाली बात कह दी, जिससे जावो कहती है कि फांग वैसे भी तुम्हारी कोई भी बात सीरियसली नहीं लेता है, तो वो इसको भी नहीं लेगा, जिससे श्याओकी अग्री करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फांग एक मीटिंग में है, जहाँ पे वो अपने न्यू परफ्यूम के बारे में सबको बताता है, जिसका नाम ड्रीमी है, और सबसे कहता है कि इस बार हम इसे बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रख और बहुत ही लिमिटेड लोगों को इसके बारे में पता होगा। मीटिंग के बाद हम देखते हैं कि हान अपने असिस्टेंट से बात कर रहा है और कह रहा है कि इस परफ्यूम के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तभी वहाँ पे कांग आता है, जो उन लोगों की बातें सुनता है। उसके बाद वो हान से आने वाले प्रोडक्ट के बारे में बात करता है, लेकिन हान पहले तो उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसे तैसे वो बातों बातों में हान से प्रोडक्ट के बारे में निकलवा लेता है और हान को भी इस चीज का रियलाइज नहीं होता है। थोड़ी देर बाद जब हान को पता चलता है तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कांग झाओ को फोन करता है और उसे ये सब कुछ बताता है, जिससे वो दोनों प्लान बनाते हैं कि अब वो फांग को कैसे नीचे दिखाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि झाओ चाय के कैफे में बैठी हुई है। कुछ ही देर में वहाँ पे श्याओकी आती है, जो झाओ से पूछती है कि फांग की कंपनी में से कोई ऑर्डर आया है, लेकिन वो मना कर देती है। उसके बाद वो पूछती है कि तुम्हारे और ली के बीच में सब कैसा चल रहा है, जहाँ झाओ बताती है कि वो एंड ली अभी भी कपल है और दिखाती है कि हम वी चैट पे भी कनेक्टेड है। लेकिन श्याओकी देखती है कि इन लोगों ने अभी तक एक भी बात नहीं करी है, जिस पर झाओ कहती है कि मुझे नहीं पता था कि कपल होने का मतलब ये होता है कि डेली बात करनी पड़ती है। तो श्याओकी उसे समझाती है कि अगर तुम इससे बात नहीं करोगी तो वो किसी और से बात करने लगेगा। ये सुनने के बाद झाओ जल्दी से वहाँ से ली से मिलने के लिए जाती है, लेकिन जाते जाते वो झाओ के टेबल से टकरा जाती है, जिसकी वजह से श्याओकी आकर टेबल क्लीन करने लगती है। लेकिन तभी उसे फांग की कंपनी में से मैसेज आता है, तो वो भी वहीं पे सबको छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं, जो अपनी न्यू आर्ट गैलरी में था। वो सोचता है कि झाओ मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो मुझसे कभी बात क्यों नहीं करती है। उसके बाद वो झाओ की प्रोफाइल पिक्चर देखता है, जो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, और वो और भी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि झाओ उससे बात क्यों नहीं कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्याओकी फांग की कंपनी में डिलीवरी के लिए आई है, जहाँ पे एम्प्लॉयज उसे कहते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड मीटिंग में है। दरअसल अब सभी यही चाहते थे कि श्याओकी एंड फांग कपल हो जाएं। श्याओकी बाहर खड़ी खड़ी फांग का वेट कर रही थी। अंदर मीटिंग में फांग सबसे कहता है कि हमें फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और हमें उसे ज्यादा फाइनेंस देना चाहिए, जिस पर कांग कहता है कि फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट उनकी कंपनी का इनकम सोर्स नहीं है और हमें ज्यादा पैसे उसमें नहीं फंसाने चाहिए, क्योंकि अभी तक तुमने जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं उसकी इतनी सेलिंग नहीं हुई है कि हमें ज्यादा फायदा हुआ हो, जिससे अगर हम
रिसर्च में अभी पैसे लगाते हैं तो वो काफी टाइम तक अटके रहेंगे। सभी लोग उसकी बात पे अग्री करते हैं, लेकिन फांग को उसकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। जिससे फांग उससे कहता है कि हम इस डिपार्टमेंट को भी सबसे अच्छा बना सकते हैं। तो कांग कहता है कि किससे? ड्रीमी परफ्यूम से? वो तो एक कंसेप्ट है, तुमने अभी तक उसका प्रोटोटाइप भी नहीं बनाया है, और क्या पता जब तुम उसे बनाओगे तो वो मार्केट में बिकेगा या नहीं बिकेगा। उसकी ये बातों से फांग कंफ्यूज होता है, लेकिन एक शेयर होल्डर कहता है कि कांग सही कह रहा है, हमें ऐसे प्रोडक्ट में पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। सबकी ये बातों से फांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। दूसरी तरफ ली बाहर घूम रहा था, तभी उसे उसकी मदर का कॉल आता है जो उसे पूछती है कि तुम कहाँ हो। ली कहता है कि वो तो न्यूयॉर्क में ही है, लेकिन उसकी मदर कहती है कि मैंने तुम्हारे जैसे लड़के को ही अभी मेरे सामने देखा था। ली मुड़ता है तो रियल में उसकी मदर पीछे ही थी। वो बहुत ही पैनिक करता है और उसकी मदर भी देखने के लिए आती है कि वो ली है या कोई और है। तभी हम देखते हैं कि जियाबो ली को लेके साइड में खड़ी हुई है, और जब जाओ वहाँ ढूंढने आती है तो उसे ली वहाँ कहीं भी नहीं मिलता। ली भी बहुत थैंकफुल था कि जाओ ने आके उसे बचा लिया और उसे थैंक यू कहता है। जाओ पूछती है कि तुमने अभी तक अपनी मदर को क्यों नहीं बताया, तो वो कहता है कि मैं जल्दी ही बता दूंगा। दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज थे और जाओबो को भी उसमें से हॉर्मोन्स की स्मेल आ रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि ली भी अब जाओबो के इतना पास में होने से नर्वस होता है। जैसे जाओबो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो उसे थोड़ा दूर करता है। उसके बाद ली जाओबो को अपने स्टूडियो में लेके जाता है और उसे बताता है कि मुझे पेंटर बनना है। फिर साथ ही वो उससे कहता है कि जो हम जैसे कपल होते हैं जो आपस में कभी बात नहीं करते हैं, उन्हें ये माना जाता है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है, जिससे जाओबो कंफ्यूज होती है। तो ली समझ जाता है कि वो जाओबो का फर्स्ट बॉयफ्रेंड है, साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि वो भी उसके फर्स्ट गर्लफ्रेंड है। फिर ली जाओबो को रिलेशनशिप का मतलब समझाता है और कहता है कि हम दोनों को एक दूसरे को टीज करना चाहिए, हम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, हमें एक दूसरे को परेशान करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों से ही ज्यादा प्यार बढ़ता है, जिसे उसकी बातें जियाओबो भी समझती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब फांग अपनी मीटिंग में से बाहर आता है तो शाओकी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके अपने रूम में चला जाता है। तभी कांग इन सब चीजों को देख कर एम्प्लॉई से पूछता है कि वो कौन है, तो एम्प्लॉई बताती है कि वो फांग की गर्लफ्रेंड है, जिससे कांग शॉक होता है और शाओकी से बात करने के लिए उसके पास जाता है। तभी हम देखते हैं जब फांग अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसकी नजर कांग और शाओकी को बात करता हुआ देख के उन पर जाती है। कांग बाहर उससे ये जानना चाहता था कि शाओकी और फांग के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो उसे कुछ भी बताने को अग्री नहीं होती है। उसी टाइम पे हान बाहर आ जाता है जो कांग को रोकता है और शाओकी को अंदर जाने को कहता है। शाओकी जब अंदर जाती है तो वो फांग को केक टेस्ट करने को कहती है, लेकिन फांग उससे पूछता है कि तुम्हारा रियल मिशन क्या है। यहाँ पे शाओकी को लग रहा था कि मे बी फांग को उसका रियल मिशन पता चल चुका है, जिससे वो फांग के ऊपर केक गिरा देती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन फांग उसके पास आता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे आजू बाजू क्यों घूम रही हो, तुम्हारा रियल मिशन क्या है। यहाँ हमें समझ में आ रहा था कि फांग को ऐसा लग रहा है कि शाओकी ने ही उसके प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लीक करी है, लेकिन शाओकी कहती है कि मैं जो भी कर रही हूँ वो मेरा काम है। जिससे फांग को अब तो यकीन हो जाता है कि शाओकी ही वो पर्सन है जो सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रही है, और उससे पूछता है कि किसने तुम्हें मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा है, तुम जो कर रही हो उससे मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। शाओकी कहती है कि तुम्हारी लाइफ ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं होगी, हाँ तुम्हारी लाइफ पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। अब यहाँ पर शाओकी हार्मोन कलेक्ट करने की बात कर रही थी और फांग उसकी इन्फॉर्मेशन लीक करने की बात कर रहा था, जिसकी वजह से दोनों में काफी ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और फांग शाओकी को वहां से जाने को कहता है, शाओकी भी वहां से चली जाती है। तभी हान वहां आता है, फांग उसे कहता है कि शाओकी वो पर्सन थी जिसने सारी इन्फॉर्मेशन लीक करी है। हान कंफ्यूज होता है क्योंकि रियल में तो वही वो पर्सन था जिसने इन्फॉर्मेशन लीक करी थी। फांग को रियलिटी भी नहीं बता पाता है और वो चुप रहता है, और फांग हान से कहता है कि वो शाओकी को कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर दे, जिससे हान शॉक होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओकी बहुत ही ज्यादा अपसेट थी क्योंकि फांग ने उसके साथ बहुत ही खराब बिहेव किया था, और वो ये सारी ही बातें जियाबो को बताती है। जियाबो कहती है कि कहीं फांग को ये डाउट तो नहीं हो गया है ना कि तुम एलियन हो, तो शाओकी कहती है कि हमारे प्लैनेट के रूल के हिसाब से हम किसी को भी ये पता नहीं लगने दे सकते हैं कि हम एलियन हैं, और हम अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जियाबो कहती है कि हम मर्डर भी कर सकते हैं, लेकिन शाओकी कहती है कि वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। जब फांग अपने घर में था तभी डोरबेल रिंग होती है। वो डोर के पास जाता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी पर्सन हो, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। और वो जैसे ही डोर ओपन करता है बाहर एक डिलीवरी मैन खड़ा था जो कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे फांग को ये लग रहा था कि बाहर शाओकी खड़ी होगी, तभी पता चलता है कि वो डिलीवरी मैन भी फांग के घर नहीं बल्कि शाओकी के घर आया, और शाओकी को आता हुआ देखकर फांग डोर क्लोज करके वहां से चला जाता है, जिससे शाओकी और भी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है।
नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हान ऑफिस में फांग से कह रहा है कि मुझे नहीं लगता है कि श्याओकी ने ये इन्फॉर्मेशन लीक करी होगी, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन के बारे में श्याओकी को कुछ पता भी नहीं है। फांग कहता है कि लेकिन फिर भी मुझे सबसे ज्यादा डाउट श्याओकी पर ही है, इसीलिए अभी मैं उसे माफ नहीं कर सकता हूँ। हान पूछता है कि अगर कोई पर्सन जाने अनजाने में ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दे तो? फांग कहता है कि अगर किसी ने जाने अनजाने में भी ये इन्फॉर्मेशन लीक करी है फिर भी मैं उसे माफ नहीं करूंगा। जहाँ पर हान समझ जाता है कि अगर उसने फांग को कुछ भी बताया तो फांग उसे भी फायर कर देगा, जिससे वो सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाता है और वहाँ से चला जाता है। बाहर हम देखते हैं कि श्याओकी वापस से उसकी कंपनी में आई हुई है, लेकिन कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर देने की वजह से उसे अंदर एंट्री नहीं मिल रही है। हान ये सब कुछ देखता है और बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि श्याओकी वापस से कैफे में गई है और वो बहुत ही ज्यादा अपसेट है और वो सोच रही है कि अब वो फांग को कैसे मनाए, जिससे सिस्टर शाय उसे एक बुक देती है और कहती है कि ये मैंने बहुत ही रिसर्च करके इसे कलेक्ट किया है और अगर तुम्हें फांग को मनाना है तो तुम्हें उसके लिए अच्छा खाना बनाना चाहिए, जो आइडिया श्याओकी को भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्याओकी अपने घर जाती है और सिस्टर शाय की दी हुई बुक में से खाना बनाने लगती है और वो इमेजिन करती है जब फांग उसका खाना खाएगा तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होगा और उसे इम्प्रेस होके उसे एंड में किस भी करेगा, और ये सब कुछ सोच कर वो खुश हो ही रही थी तभी उसके घर में आग लग जाती है। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि फांग भी बिल्डिंग में आ रहा है और वो देखता है कि श्याओकी के घर में से बहुत ही धुआं निकल रहा है। वो जल्दी से श्याओकी के घर जाता है जहाँ पे पूरा ही स्मोक फैला हुआ था और वो देखता है कि स्टोव पे आग भी लगी हुई है। वो जैसे तैसे करके आग बुझा देता है। उसके बाद वो श्याओकी से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। श्याओकी उससे बताती है कि वो खाना बना रही थी ताकि फांग उससे इम्प्रेस हो, लेकिन उसी टाइम पे फायर स्प्रिंकलर में से भी पानी गिरने लगता है जिससे दोनों ही भीग जाते हैं। अब फांग श्याओकी को लेके अपने घर आता है और उसे पहुँचने के लिए टावल भी देता है, जिसके बाद फांग श्याओकी से पूछता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने के कितने पैसे मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें समझ में आ रहा था कि श्याओकी और फांग की मिसअंडरस्टैंडिंग अभी तक क्लियर नहीं हुई है। अब श्याओकी भी उस पे गुस्सा होती है और कहती है कि इन सब की स्टार्टिंग तुम नहीं करी थी जब तुमने मुझे बुली किया था, और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे कुछ भी कहो, और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी फांग की नजर जाती है कि श्याओकी की रिंग वहीं रह गई है, जिससे वो रिंग उठाकर श्याओकी का नाम बुलाता है, लेकिन उसी टाइम पर उसे फ्लैशबैक दिखाई देने लगता है। उसे अपनी और श्याओकी की सारी ही स्टोरी दिखने लगती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फांग को नीचे गिरा हुआ देख के श्याओकी उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। जैसे ही श्याओकी उससे रिंग लेती है वो नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद श्याओकी उसे सोफे पे बिठाती है। फांग श्याओकी को देखता है और इस बार वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। जब दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे तभी वहाँ पे ज़ाओबो आती है, लेकिन दोनों को साथ में देखकर वो समझ जाती है कि शायद श्याओकी हार्मोन्स कलेक्ट कर रही है, जिससे वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद श्याओकी भी वहाँ से चली जाती है, लेकिन फांग अभी भी शॉक में था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान को फांग का मैसेज आता है जो उसे बुलाता है। दरअसल बारिश में फांग अपनी सारी ही मेमोरीज भूल जाता है, इसीलिए वो हान को खुद को दूसरी सिटी में लेके जाने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है जिससे वो अपनी मेमोरीज भूलने लगता है। लेकिन उसे एक चीज याद आती है कि उसने श्याओकी से कहा था उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, जिससे श्याओकी खुद भी बहुत ही शॉक होती है, जहाँ वो कंफ्यूज होता है कि रियल में उसका और श्याओकी का रिलेशन क्या है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।